अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, इनहेरिटेंस। सो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्रोमोसोम्स और जीन्स, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन इसके लिए हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से ही क्लियर रखना, स्ट्रॉन्ग रखना है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट दी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी ट्रेट है, फीचर्स, वो किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, कौन से प्रोसेस हैं, कौन से लॉज हैं, किस तरह चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आती है, फिर किस तरह से उस वेरिएशन से इवोल्यूशन होती है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, जिसमें क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस के लॉज पढ़ेंगे, इसके अलावा वेरिएशन, इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म रिसेंबल देयर ओन पेरेंट, कि जितने ऑफस्प्रिंग हैं वो किससे रिसेंबल करते हैं, अपने पेरेंट्स से। फ्रॉग ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉग, गार्डन पी ऑलवेज प्रोड्यूस गार्डन पी, और इसके अलावा दीज ऑफ स्प्रिंग वुड शो सिमिलैरिटी टू देयर पेरेंट। डेफिनेशन भी हम कवर करते हैं। लिविंग थिंग व्हेन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली देयर ऑफ स्प्रिंग डिफरेंट समवट फ्रॉम देयर पेरेंट, दे शो रिसेम्बलेंस विद वन अनदर एज वेल एज विद देयर पेरेंट, बट देयर नॉट एग्जैक्ट कॉपीज। इवन देन द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ वन पेरेंट नदर रिसेम्बल एग्जैक्टली, उनमें रिसेम्बलेंस तो होती है बट देयर नॉट एग्जैक्ट सिमिलर विद देयर पेरेंट। सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि उनमें जो जीन्स हैं वो उनके पेरेंट्स से आए हैं, और डिफरेंसेस की क्या वजह है? क्योंकि उनके पास जो जेनेटिक मटीरियल है वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आया है और कंबाइन हुआ है, तो जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन है वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से उनमें डिफरेंसेस भी हैं। तो जो ऑफस्प्रिंग है वो सिमिलर तो है विद देयर पेरेंट, बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर। नाउ हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन है हेरिडिटी। The characteristic of the offspring to resemble their parent is called heredity. एक और डेफिनेशन हेरिडिटी की लिखी हुई है कि हेरिडिटी इज ए वे बाय विच जीन्स ट्रांसमिट कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो हेरिडिटी सिंपली क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय विच जीन्स ट्रांसमिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जीन्स क्या है? कोड है कैरेक्टर का, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक कोड में हमारे पास है, उसे हम क्या कह रहे हैं? जीन। अभी जब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी क्लियर होगा। सो हेरिडिटी सिंपली है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में तमाम प्रोसेस आ जाते हैं जिनके थ्रू कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। हेरिडिटी सिंपली क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। और इनहेरिटेंस क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन क्या है? हेरिडिटी। तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हेरिडिटी हो रही है वो क्या है? इनहेरिटेंस। ये तमाम चीज़ें हम बायो की जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक्स, जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ी थी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। वेरिएशन बेसिकली जो चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में वो है। तो जेनेटिक्स क्या है? इन तमाम चीज़ों की स्टडी, कि किस तरह से हेरिडिटी हो रही है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन किस तरह से आ रहा है, किस तरह से न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, उनमें किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तमाम स्टडी, ये क्या है? जेनेटिक्स। नेक्स्ट वेरिएशन है। द सेम इज ट्रू अबाउट प्लांट्स, और डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन। सो वेरिएशन क्या है? हमने देखा था ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो सिमिलर तो है विद देयर पेरेंट, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो ये डिफरेंसेस क्या कहला रहे हैं? वेरिएशंस। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास वेरिएशन आती है, वैरायटी आती है, जिससे हमने मियोसिस की इंपॉर्टेंस में भी क्लास 9 में डिस्कस किया था कि मियोसिस की वजह से वेरिएशन आती है, हमें वैरायटी मिलती है। इसी तरह से प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है। सो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। पहले हम थोड़ा सा क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन देखेंगे। सब क्रोमोसोम के अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमने क्लास 9 में स्टार्ट किया था सेल से। सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल थे, जिसमें से एक ऑर्गेनल था न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के फर्दर पार्ट्स देखें, उसके स्ट्रक्चर देखें, तो हमें न्यूक्लियस में एक ट्रैक लाइक मटेरियल दिखता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होता है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स। ये हमने स्टडी किया था चैप्टर सेल साइकिल में, कि क्रोमोसोम विजिबल होते हैं सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन कंडेंस होके और स्मॉल पार्ट में, स्मॉल फ्रैगमेंट में ब्रेक डाउन होकर क्या बन जाते हैं? वो क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट है और डीएनए पर जीन्स लोकेट है। ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है किसके थ्रू ट्रांसफ़र होती है? क्रोमोसोम्स के थ्रू, क्योंकि क्रोमोसोम्स में ही डीएनए है और डीएनए पर जीन्स लोकेट हैं। सो अब हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्रोमोसोम कंसिस्ट है थ्रेड पर,
जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये क्या एक क्रोमैटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमें क्रोमोसोम पर एक स्फेरिकल जोन मिलता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। सो सेंट्रोमेयर क्या है, बेसिकली ज्वाइनिंग पॉइंट है, दो क्रोमैटिड को उसने ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की, दोबारा बता दे रही हूँ कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सेंट्रोमेयर पे। जिस तरह यहाँ पर एक सेंट्रोमेयर है, यहाँ पर भी एक सेंट्रोमेयर है, तो ये भी एक क्रोमोसोम काउंट होगा और ये भी एक क्रोमोसोम काउंट होगा। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि इसके जो क्रोमैटिड है वो रेप्लिकेट हो गया है। हमने एस फेज में पढ़ा था सेल साइकिल में कि जो एस फेज में क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन हो जाती है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है। तो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, इट मींस क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रहा है। तो ये भी सिंगल स्ट्रैंड है क्रोमोसोम का, ये रेप्लिकेट फॉर्म में नहीं है। अब जब एस फेज में क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन हो जाएगी, डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंड कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स में। तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमेयर एक है लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है और ये डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है। यहाँ पर इस डीएनए की रेप्लिकेशन हुई हुई है। अच्छा, अब जो एक क्रोमोसोम्स के दो क्रोमैटिड हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड भी बोलते हैं। है तो ये एक ही क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं, दो डिफरेंट क्रोमैटिड दिख रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। सुनाओ, क्रोमोसोम्स के कुछ टाइप्स हैं सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेस पर। तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे हैं जिसमें सेंट्रोमेयर सेंटर में लोकेट है और दो इक्वल आर्म्स बन रहे हैं। ये क्या है, सेंट्रोमेयर। ये कौन से टाइप है, मेटासेंट्रिक। इसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या है कि जो आर्म्स हैं, दीज आर आर्म्स, सो ये जो आर्म्स हैं ये अनइक्वल हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, जो आर्म्स हैं वो अनइक्वल हैं लेकिन एक आर्म बहुत शॉर्ट है और एक आर्म बहुत लॉन्ग है। इसे हम जे शेप क्रोमोसोम या फिर एल शेप क्रोमोसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या है, जो सेंट्रोमेयर है ये लोकेट होगा एट द टिप ऑफ क्रोमोसोम। ये कुछ टाइप्स थे क्रोमोसोम का ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सो जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी कैरेक्टर ऑफ इज स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बिहेवियर एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोग्राम्ड एंड कंट्रोल बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दीज इंस्ट्रक्शन आर इन द फॉर्म ऑफ कोडेड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन्स। जीन्स क्या है, जिस तरह हमने पहले देखा कोड है, ये कोड हमें बताता है कि कौन से इंफॉर्मेशन है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन क्या है, जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, ये एक कोड की फॉर्म में प्रेजेंट है डीएनए पर। डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम्स में। इस कोड को हम क्या कह रहे हैं, जीन्स। अभी जब हम आगे डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ें और मजीद क्लियर होंगी। दिस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग इज पास थ्रू एग एंड स्पर्म। कौन से सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, एग एंड स्पर्म। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इन सेल्स के थ्रू ट्रांसफर होगी गैमेट्स के थ्रू एग एंड स्पर्म, विच आर दिस एग सेल्स। यू हैव ऑल्सो रिसीव योर जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट एंड दे रिसीव देयर जीन्स फ्रॉम देयर पेरेंट। यहाँ पे क्या कहने का, जो ऑफस्प्रिंग है उसने जीन्स रिसीव की हैं अपने पेरेंट्स से और उनके पेरेंट ने जीन्स रिसीव की हैं अपने पेरेंट्स से। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है उनके पास अपने पेरेंट के भी जीन हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट की भी जीन्स हैं। सो द इनहेरिटेड कैरेक्टर आर डिटरमाइंड बाय जीन्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो जो कैरेक्टर्स हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, जीन्स पे। जो जीन ट्रांसफर होगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, इट मींस कि वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि जीन्स क्या है, कोडेड फॉर्म है कैरेक्टर्स की, कोडेड फॉर्म है इंफॉर्मेशन की। सो एज वी नो दैट ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जितने भी स्पीशीज हैं उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो कांस्टेंट है। जैसे कि ह्यूमन के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स, टोटल कितने हो गए 46, और इनका शेप और नंबर कांस्टेंट है। ऑल ह्यूमन कंटेन टू सेट ऑफ 23 क्रोमोसोम, वन हैप्लॉइड सेट इन पैटर्नल इन ऑरिजन विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्पर्म, वाइल द अदर हैप्लॉइड सेट 23 इज मैटरनल विच कम फ्रॉम एग। द जीन्स आर लोकेटेड एट क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड थ्रू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन क्रोमोसोम्स पार्ट लेते हैं सेल डिवीजन में। तो ये जीन्स किसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, जो कैरेक्टर्स हैं ट्रेट है ये किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, क्रोमोसोम्स के थ्रू। द टू क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन देयर शेप साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर प्रेजेंट इन अ सेल, वन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो ऐसा क्रोमोसोम जिनका शेप साइज और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर सेम है
और वो एक ही साल में प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। होता क्या है कि क्रोमोसोम के कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेकंड नंबर क्रोमोसोम, थर्ड नंबर, इस तरह से हमारे पास टोटल 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर की फॉर्म में। तो ये जो पेयर्स हैं ये क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो एक पेयर है इसका शेप, साइज और सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम है, तो ये सारे क्रोमोसोम्स क्या हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इन पर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम है जिस पर आई कलर का जीन लोकेट है और दूसरा क्रोमोसोम जिस पर आई कलर का जीन लोकेट है, एक आया है फ्रॉम मदर एक आया है फ्रॉम फादर, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, इट मीन्स उनका शेप, साइज, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमेयर सेम हो, इसके अलावा विथ सेम सेट ऑफ जीन्स, उन पर जो जीन्स हों वो सेम हो, मतलब उनका जो ट्रेट है वो सेम हो। अगर आई कलर का जीन है और दूसरे क्रोमोसोम पे भी, इस क्रोमोसोम पे भी आई कलर का जीन है, इस क्रोमोसोम पे भी आई कलर का जीन है, तो ये दोनों क्रोमोसोम क्या हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये एक ही नंबर के क्रोमोसोम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई कलर फिफ्थ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे होता है तो ये फाइव नंबर क्रोमोसोम है, ये भी फाइव नंबर क्रोमोसोम है, और ये फाइव नंबर आया है फ्रॉम मदर, ये फाइव नंबर आया है फ्रॉम फादर। तो होमोलोगस होने के लिए क्या ज़रूरी है, कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, इट मींस उनकी जो अपीयरेंस है वो सिमिलर हो, साइज, शेप, सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम हो, इसके अलावा जीन सेम हो, मतलब उनका जो ट्रेट है, कैरेक्टर है वो सेम हो। अगर हेयर कलर है तो हेयर कलर का दूसरा क्रोमोसोम हो, आई कलर है तो आई कलर का दूसरा क्रोमोसोम हो।